अहम खबर आपको बता रहे तो रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बड़ी हुई है और इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने झूठी अर्जी लगाई है। तो रिजवान सोलंकी ने कोर्ट में ये झूठी अर्जी लगाई, खुद को 4 बार का विधायक बताया है। तो दोनों ही जो भाई वो फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश भी यहां पर की जा रही। गैर जमानती वारंट जो है इरफान सोलंकी के खिलाफ कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो दूसरी खबर आपको बता दें इसी संदर्भ से जुड़ी हुई, इरफान सोलंकी की जो भाई रिजवान सोलंकी है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो झूठी अर्जी रिजवान सोलंकी ने कोर्ट में लगाई, रिजवान ने खुद को इस अर्जी में 4 बार का विधायक बताया है। तो कई ऐसे आरोप है जो दर्ज यहां पर उसके तहत शिकायत हुई है इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इरफान सोलंकी के भाई ने कोर्ट में झूठी अर्जी लगाई जिसमें खुद को 4 बार का विधायक उनकी तरफ से बताया गया है। उस आधार पर अब मुश्किलें और जो है इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की बढ़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कुछ अता पता रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी का नहीं है और सामने नहीं आते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई से भी 2-4 यहां पर होना पड़ सकता है, जिसकी इजाजत प्रशासन को दे दी गई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो इरफान सोलंकी के भाई ने झूठी अर्जी लगाई है। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक और रिजवान सोलंकी ने कोर्ट में झूठी अर्जी लगाते हुए उसमें इस बात का जिक्र किया है। रिजवान ने खुद को 4 बार का विधायक यहां पर बताया है। तो ये झूठी अर्जी यहां पर उनकी तरफ से, और झूठी अर्जी के साथ ही रिजवान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से इस वक्त की, इरफान सोलंकी के भाई ने ये कोर्ट में झूठी अर्जी लगाई है। दोनों भाई अभी भी जो फरार हैं वो बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि लगातार मुश्किलें जो हैं संकट के बादल रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी पर मंडरा रहे हैं। तो कानपुर कोर्ट में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दायर वाद पर सुनवाई, और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोलंकी के वकील की मांग पर बहस की जो डेट है वो बढ़ा दी है। अब 5 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी पर विधानसभा नामांकन के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप यहां पर लगाने के मामले में सुनवाई होनी है। तो कोर्ट ने इरफान सोलंकी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। 22 दिन से इरफान सोलंकी जो है वो फरार चल रहा है, और बीच रिजवान सोलंकी की भी मुश्किलें बढ़ते हुए कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की जो तारीख है वो तय कर दी है। तो खुद को 4 बार का विधायक रिजवान सोलंकी की तरफ से इस अर्जी में बताया गया, जिस पर यह सुनवाई होनी है। तो बता दें कि जो रिजवान और इरफान सोलंकी के वकील की तरफ से डेट बढ़ाने की मांग यहां पर की गई थी, जिसको बढ़ाकर अब 5 दिसंबर को अगली सुनवाई इसमें होगी। हम लोग अपनी बहस करने के लिए पूर्णतः तैयार है और आज भी तैयार थे, लेकिन मुलजी पक्ष की ओर से इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की जो अधिवक्ता है नरेश त्रिपाठी जी ने, उन्होंने जानबूझ करके या अपने फैक्ट रखने के लिए जो भी हो एक डेट की मांग की कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए, मुझे नए फैक्ट रखने हैं, जिसपे माननीय न्यायालय ने 5 तारीख की तिथि नियत कर दी है। हमारी ओर से एक 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र रिजवान सोलंकी के लिए दिया गया है, क्योंकि रिजवान सोलंकी ने अपने पूरक शपथ पत्र में ये लिखा है कि मैं 4 बार का विधायक हूं और मौजूदा समय विधायक हूं। उस संबंध में कार्रवाई करने के लिए झूठा प्रमाण पत्र देने के लिए 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जिस संबंध में 5 तारीख को ही सुनवाई होगी। 5/12/2022 नियुक्त हुई है। एक फर्जी मुकदमा परसों हमारे अभियुक्तों के खिलाफ, हमारे मुवक्किलों के खिलाफ लिख लिया गया है। उसके तथ्य जानने के लिए और उनका उन आरोपों का जवाब देने के लिए मुझे भी तो समय की जरूरत थी, तो मैंने समय मांगा। माननीय न्यायालय ने 5/12 तक का समय दिया है। 5/12 को बहस होगा, माननीय न्यायालय हमें न्याय देगी, हमें पूरा यकीन है। तो वही पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा पर शिकंजा कसना शुरू हो गया, और आज विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम पर एक फ्लैट कुर्क किया जाएगा, और जिसकी कीमत करीब